वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको राजस्थान का फेमस आलू प्याज टिक्कड़ बनाना बताऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। टिक्कड़ हम रोटी को बोलते हैं और आलू प्याज की सब्जी बनती है, तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आलू प्याज टिक्कड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू प्याज की सब्जी बनाने हैं। तो 8-10 मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तो इनके अब हम छिलके उतार लेते हैं। पीलर की हेल्प से हमें आलू को छीलना है, तो इस तरह हम सभी आलू को छील लेंगे। आलू को मैंने छील लिया है तो इनको अब हमें कट करना है। कट करने के लिए इस तरह हम एक आलू के दो टुकड़े करेंगे और इस तरह हमें बड़े बड़े ही कट करने हैं, ज्यादा छोटे नहीं करने हैं। इस तरह हमें सभी आलू को कट करना है। इस तरह मैंने सभी को कट कर लिया है। इन्हें एक बार फिर से साफ पानी से धोना है और पूरा पानी हमें इसका निकाल लेना है। और अब हम प्याज लेते हैं, प्याज को हमें छीलना है। 13-14 मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं, आप देख सकते हैं, तो इनको भी हमें कट करना है, तो इसका हम छिलका उतार लेते हैं। इस तरह हमें इसको कट करना है, सारे छिलके हम इसके जो है निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें इसको निकालना है। सभी प्याज के मैंने छिलके उतार लिए हैं, एक बार इन्हें अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम इन्हें कट करेंगे। तो चलिए पहले वॉश कर लेते हैं। प्याज को वॉश कर लिया है, अब इन्हें हम कट करेंगे। तो इन्हें भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटे मोटे हमें इनको कट करना है। इस तरह ही करना है हमें। इस तरह आप सभी को कट करिए। खाने में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, राजस्थान में तो ये बहुत फेमस है सब्जी। आप ज़रूर एक बार इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। सभी को मैंने कट कर लिया है, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें हमें घी ऐड करना है। तो 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे हम। घी अच्छा गर्म हो गया है तो जो आलू हमने कट किए थे वो इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे और इनको हमें फ्राई करना है। जितने आएंगे हमें उतने ही इसमें ऐड करने हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमें गैस की फ्लेम को फुल रखना है, बाद में हम कम फ्लेम पे इनको फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं इनको अच्छे से हमें हिला देना है। जब तक आलू नरम नहीं पड़ जाते तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। बीच बीच में हमें इनको चलाते रहना है। आप देख सकते हैं आलू जो है नरम पड़ने लग गए हैं, आप देखिए। थोड़ा सा हमें अभी इन्हें और फ्राई करना है, गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। यदि तेज फ्लेम में करेंगे तो आलू जो है लाल हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। एक आलू को हमें दबा के देखना है, इस तरह देख के हम दबाएंगे तो बड़ी आसानी से ये टूट जाता है, इसका मतलब ये फ्राई हो गया है। इन्हें अब हम निकाल लेंगे। बचे हुए आलू को भी हमें इसी तरह ही फ्राई करना है। अब हम दूसरे आलू भी डाल देते हैं इसमें। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है, फुल फ्लेम पे ही हमें इन्हें डालना है। एक बार इन्हें हम हिला लेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे ही हमें इन्हें पकाना है। आलू को अब हम निकाल लेते हैं, आलू फ्राई हो गए हैं। इसी में हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें तेज ही रखना है, प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आलू को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सारे प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं, गैस की फ्लेम को हमें तेज ही रखना है। प्याज को एक बार हमें अच्छी तरह से हिला लेना है। गैस की फ्लेम को अब हम कम कर देंगे और कम फ्लेम पे इन्हें सिकने देंगे। प्याज फ्राई होते हैं तब तक हम टिक्कड़ बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 4 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। अब 2 कप हम लेंगे बेसन, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम लेंगे सूजी, सूजी हम डालेंगे 1 कप। 2 टीस्पून हम डालेंगे अजवाइन।
नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है। 2 टेबलस्पून हम लेंगे घी मेल्ट किया हुआ, आप चाहे तो तेल का मोयन भी दे सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और गर्म पानी से हमें इसका डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। इस तरह हमें इसका टाइट डो ही लगाना है, ज्यादा गीला नहीं करना है। डो जो है हमारा लगकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह का हमें टाइट डो ही रखना है। इसको हम सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हम देखते हैं, हमारे प्याज भी फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। सारे प्याज को मैंने निकाल लिया है, इसी में हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने से पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बार गैस को हम बंद कर देंगे। 1 कप हम यहाँ पे लेंगे दही, 1/2 टीस्पून मैंने लिया हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून हम लेंगे काला नमक, 2 टीस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर। सभी को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से मसाला जो है अच्छी तरह से भीग जाएगा और फूल भी जाएगा। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बघार तैयार करेंगे, उसी पैन में हम सब्जी बनाएंगे। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है। 1 पिंच में यहाँ पे डालूंगी हींग। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे कम। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, इसको चटकने देंगे हम। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है अदरक का पेस्ट, ये भी हम इसमें डालेंगे। 1 लिए मैंने हरी मिर्च बारीक, ये भी हम इसमें डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगी लाल मिर्च और जो ग्रेवी हमने भी दही के साथ तैयार की थी वो इसमें हम ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और घी छूटने तक इसे जो है हम पकने देंगे। घी छूटने लग गया है, जो प्याज हमने फ्राई किए थे वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। जो आलू हमने फ्राई किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें। 1 गिलास हम गर्म पानी इसमें ऐड करते हैं। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनी है। अभी सब्जी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कितना अच्छा हमारा सब्जी में कलर आया है और क्या शानदार खुशबू आ रही है। थोड़े से आलू को हम इस तरह दबा देंगे ताकि ग्रेवी जो है हमारी और थिक हो जाएगी। कम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक हमें सब्जी को पकाना है। घी छूटने तक हमें पकाना है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमें एक खास चीज ऐड करनी है, वो है मावा। तो मावा जो है ये मैंने घर पे बनाया हुआ मावा है, ये मेरा होममेड मावा है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए मावा को हम ऐड कर देते हैं और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मावा डालने से जो सब्जी का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार होती है। आप जरूर एक बार इस तरह इस रेसिपी को बनाकर देखिए। मावा मैंने घर पे ही बनाया है, इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर एक बार देखिए। 5 से 10 मिनट तक हम इसको कम फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसमें हम नमक भी ऐड कर देते हैं। हमने नमक अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है, तो अब हमें सबसे लास्ट में हमें नमक ऐड करना है। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और कम में ही इसको पकने देना है। नमक हम स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है घी छूटने लग गया है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद करते हैं और धनिया पत्ती से इसकी गार्निश करते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती ली है, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है, तो इससे हम इसकी गार्निश करेंगे। तो चलिए अब हम टिक्कड़ भी बना लेते हैं।
आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है, इसको एक बार हम घी लगाकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे टिक्कड़ बनाने के लिए। अच्छे तरह से हमें इसको गोल करना है दोनों हाथों से, इतनी मोटी हमें लोई बनानी है। तो चलिए अब हम चकले पे अब टिक्कड़ बनाएंगे, आप चाहे तो बोर्ड पे भी बना सकते हैं। इस तरह हमें प्रेस करते हुए धीरे धीरे इसको बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है हमें। बड़ी आसानी से बन जाता है टिक्कड़, ज्यादा जो है पतला नहीं होता, हमें मोटा ही रखना है। टिक्कड़ हमारा बन गया है, चलिए इसे हम सेक लेते हैं। गैस पे मैंने तवा रखा है, तवे को एक बार अच्छी तरह से हम साफ कर देंगे, गैस को ऑन कर देंगे। तवा गर्म हो गया है तो जो टिक्कड़ हमने बेला था वो हम इस पे रखेंगे और सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। अब इसे हम एक बार पलट देंगे। अब इसको हम पलट देते हैं, इस तरह हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का सेकना है। हल्का सा हम प्रेस करेंगे। अब इसे हम तवा हटा के सेकेंगे। इस तरह हमें चिमटे की हेल्प से सेकना है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। टिक्कड़ हमारा सिककर तैयार हो गया है, ये देखिए दोनों साइड से सिक गया है। तो चलिए अब इसको हम हटा लेंगे। इस तरह हमें सारे टिक्कड़ सेकने हैं। अब हम इस पर घी लगा देते हैं। एक बाउल पे मैंने यहाँ पर घी लिया है, इसमें अब हम टिक्कड़ को डालेंगे और अच्छे तरह से इसको हम जो है घी लगा देंगे। इस तरह घी डाल के हमें इसको निकाल लेना है। यदि आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो कम घी लगाएं, इसके अंदर ऐड नहीं करें। इस तरह इसे हम निकाल कर सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टिक्कड़ हमारा बनकर तैयार हुआ है। टिक्कड़ को मैंने एक प्लेट में रख दिया है, तो अब सब्जी भी हम सर्व कर लेते हैं। सब्जी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो इसको भी हम बाउल में डाल लेते हैं, सर्व करेंगे। प्लेट में मैंने आलू प्याज और टिक्कड़ को सर्व कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। इसके साथ एक चीज और मिल जाए तो खाने का जो मजा है वो दुगुना हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जी हाँ पापड़ की। पापड़ में यदि चूर चूर के आलू प्याज टिक्कड़ खाते हैं तो और ज्यादा टेस्टी लगते हैं, तो हम पापड़ भी इसमें सर्व करेंगे। ये मेरे होममेड पापड़ है, ये मैंने मूंग दाल के पापड़ बनाए हैं, मैंने चना दाल के पापड़ भी बनाए हैं। दोनों का वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस तरह आप घर पे आलू प्याज टिक्कड़ घर पे ही बनाइए, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें बनाते समय हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम आलू और प्याज को फ्राई करेंगे तो हमें इसको कम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और टिक्कड़ को भी जब हम सेकेंगे तो कम फ्लेम पे सेकना है, ताकि इसकी जो सिकाई है अच्छे से हो जाए, अंदर से कच्चा नहीं रहे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना भूल जाते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।